श्री प्राण अभिनेता, श्रीमती जोहरा सहगल अभिनेत्री, श्रीमती सुचित्रा सेन अभिनेत्री, श्री ताराकांत झा पूर्व सभापति बिहार विधान परिषद, श्री अकिनेनी नागेश्वर अभिनेता, श्री खुशवंत सिंह, उन्होंने उसे पढ़ा होगा, उसकी पुष्टिकरण करना हम सब ने करना है। हम सब लोग उसकी पुष्टि, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक के प्रोसीडिंग्स का सारांश सभी कार्य समिति के सदस्यों के बैग में है। हम सब लोगों ने उसे पढ़ा होगा, उसकी पुष्टिकरण करना हम सब ने करना है। हम सब लोग उसकी पुष्टिकरण के लिए अपना हाथ उठाकर इसे पुष्टिकरण, तो इसकी पुष्टि होती है। अब प्रस्ताव सत्र होगा, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वह आगे की कार्रवाई का संचालन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं भारत सरकार के वित्त मंत्री और राज्यसभा में पार्टी के नेता श्रीमान अरुण जेटली को निवेदन करता हूं कि राजनीतिक प्रस्ताव रखें। बैठक में अब अरुण जेटली जो हैं वो सरकार के अभी तक के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री जिन पे पूरे देश की उम्मीदें टिकी हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय जोशी जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, श्री वेंकैया नायडू जी, नितिन जी, मंच पर मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए कार्यकर्ता मित्रों, बहुत कम उदाहरण है कि एक उम्मीदों से भरे हुए माहौल में, उत्साह के माहौल में इस प्रकार का पार्टी का अधिवेशन हुआ हो। उत्साह अधिक इसलिए भी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दी है, और इस जिम्मेवारी देते वक्त इस देश के जितने राजनीतिक पंडित और विश्लेषक थे, कई उनके ऐसे विश्लेषण थे जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी दिए जाते थे, जिन्हों उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकेत में उनमें से कुछ का जिक्र किया है। बहुत लोग मानते थे कि बड़े बहुमत आएंगे एक दल के, भारत में वो युग समाप्त हो चुका है, एज ऑफ टॉल मेजोरिटीज एंड टॉल लीडर्स इज ओवर, हम केवल गठबंधन की राजनीति के युग में हैं। जब लोग आकलन करते थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, क्या ये 150 का आंकड़ा पार करेगी, क्या ये 200 अपने ताकत पे छू पाएगी, और आखिरी कुछ दिनों में उनको लगने लगा कि 200 का आंकड़ा पार करेगी तो कहां तक जाएगी। आपको एक बार हम फिर से लिए चलेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक चल रही है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह
जब अब से कुछ देर पहले बोले तो उन्होंने कहा कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, लेकिन इस वक्त अरुण जेटली बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप। हम आपको बात जरूर सुनवाएंगे, लेकिन अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता इसी बैठक में जिस वक्त अरुण जेटली बोल रहे हैं वहीं पर मौजूद हैं। अमिताभ, हम जरूर आपसे अरुण जेटली पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने क्या संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को? देखो, मैंने दो बातें कही हैं निशान। सबसे अहम बात जो कही है कि जो पार्टी के सांसद हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सरकार जो काम कर रही है उसे जनता के बीच पहुंचाएं। और दूसरी जो अहम बात कही है कि वो जो जनता की जो मुश्किलें हैं और जनता की आवाज है, वो सरकार तक पहुंचाएं और सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाएं। तो पार्टी के कार्यकर्ता एक सेतु का काम करें, एक पुल का काम करें, जो सरकार और लोगों के बीच समन्वय बिठाए, सरकार और लोगों के बीच तार जोड़े, जो कमियां पिछली एनडीए सरकार में, अटल जी की सरकार में। विस्तार से बात इस पर करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद में दरअसल जिन मुद्दों का जिक्र होते हुए निकला, उस मुद्दों पर आएंगे। ये बताते हुए कि दरअसल अमित शाह ने जिन मुद्दों को उठाया, उसमें पहली बार कार्यकर्ताओं को प्रदेशवार इस बात की दिशा में ले जाने की कोशिश की है। तो आपके सामने सिर्फ एक ही ध्येय है, हर हाल में चुनाव जीतना, यानी चुनाव जीतना पहला मंत्र है। लेकिन इससे पहले हम सीधे चलते हैं, अरुण जेटली इस वक्त देश के उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिन मुद्दों के आश्रय बीजेपी को पैर पसारने हैं और सरकार को उस दिशा में शायद यूपीए के दौर के गड्ढे भरने हैं। तो आइए पहले उनकी बात सुन ली जाए। इसका पुनर्निर्माण एक बार फिर कीजिए, इस चुनौती को भारतीय जनता एक एक क्षेत्र में देश को पुनः खड़ा करना है, ये इस सरकार के ऊपर चुनौती थी। पहला निर्णय सरकार का क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशों में काला धन है, उसकी जांच के लिए और उस पर कदम उठाने के लिए एक एसआईटी बनाई है। क्या फर्क है हम दोनों सरकारों में, यूपी और एनडीए में? 3 वर्षों से यूपीए की सरकार सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देती थी कि विदेशों में काला धन है, इसका उपाय क्या है? जो एसआईटी आपने कही है हम नहीं बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश देता था। मोदी जी की सरकार की पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला निर्णय था सरकार बनने के 2 दिन बाद कि हम इस एसआईटी का गठन करते हैं। विदेशों में काला धन है, इसका उपाय क्या है? जो एसआईटी आपने कही है हम नहीं बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश देता था। मोदी जी की सरकार की पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला निर्णय था सरकार बनने के 2 दिन बाद कि हम इस एसआईटी का गठन करते हैं। विषय छोटा था, लेकिन सोच की अंतर था कि 3 वर्षों से वो संघर्ष कर रहे थे 2011 से कि हम एसआईटी नहीं बनाएंगे। अमित जी अभी जिक्र कर रहे थे डब्ल्यूटीओ का, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं न जाने कितनी बैठकें ली हैं पिछले 20-25 दिनों में। डब्ल्यूटीओ के संबंध में जो निर्णय कराए थे जाकर, उनमें से एक निर्णय का प्रत्यक्ष असर यह था कि हमारे कृषि क्षेत्र की जो कमजोरी है कि हम अपने किसान को एमएसपी देकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर उससे खरीदारी करते हैं, राज्य सरकारें या एफसीआई भंडार में रखते हैं और उस भंडार को फिर बांटते हैं सस्ते दर पे, हमें ये तमाम खाद्यान्न की योजनाएं समाप्त करनी पड़ती। ये समझौता करके आए जिसका असर ये होता। आज दुनिया में कई देशों ने हमारी आलोचना की और ये कहा आप अलग थलग पड़ जाओगे, लेकिन हमने कहा अकेले भी रहें लेकिन इस किसान के हित से और गरीब के हित से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यही परिस्थिति अटल जी की सरकार में 2 बार आई थी, जब दोनों बार हम लोग अड़े रहे थे। ये अंतर था यूपीए और एनडीए की सरकारों के बीच में। आते ही हम लोगों ने
जो स्पष्ट नीति बनाई है कि इस देश में निवेश का माहौल आरंभ हो। हमारे देश का अपना उद्योग इसलिए कमजोर हो रहा था कि हमारा उद्योग को लगता था कि भारत में हम लोग निवेश करें इसमें लाभ नहीं है, हम भी बाहर जाकर करें। बाहर से तो कोई आ नहीं रहा था, यहां के लोग बाहर जा रहे थे। हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, जो शब्द प्रयोग होते थे, पॉलिसी पैरालिसिस, लकवा मार गए आप, नीति नहीं बना सकते। हमारी टैक्सेशन पॉलिसी के संबंध में कहते थे आतंकित करती है निवेशकों को, टैक्स टेररिज्म। इस 75 दिन के अवधि काल में अपनी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को स्थापित करना, उसकी क्रेडिबिलिटी को बनाना, ये जो माहौल बनाकर गए थे पॉलिसी पैरालिसिस और टैक्स टेररिज्म का, उसको तोड़ना, उसको बदल के संकेत देना, देश के गरीब के हित में तमाम योजनाएं बनना, और 4-5 सप्ताह में जो सरकार की नीति रेल बजट में, केंद्रीय बजट में आती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, रेल बजट में यह परिस्थिति थी कि जो निर्णय यूपीए लेता था उसको लागू करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, जिसको पैरालिसिस कहते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने कहा कड़वी दवाई भी पीनी पड़ेगी, देश के हित में हम लोग पिएंगे। अगर किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है, ये जो जुलाई से लेकर नवंबर का माहौल होता है, दो क्रॉप्स के बीच का माहौल होता है, इसमें अक्सर खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन हर सप्ताह मीटिंग लेना, उसका प्रशासन करना, और इस अवधि काल में जो वस्तुएं 80 और 100 रुपए पे पहुंच जाती थी उनका नियंत्रण करके उनको 20 और 30 रुपए तक रखना, इसका संचालन भी केंद्र सरकार में सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति स्वयं करते हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अब ये जो कल्पनाएं की हैं 100 स्मार्ट सिटीज, देश में आज कम से कम करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं देहात में, शहरों में, जो बिना घर के हैं, इस सब को प्रोत्साहन दिया जाए, केवल स्मार्ट सिटीज के माध्यम से नहीं, लेकिन हमने टैक्सेशन पॉलिसी तक का इस्तेमाल किया। और जो समाज में एक नया वर्ग आ रहा है, जो गरीबी में से उठकर ऊपर आता है और मध्यम वर्ग बनने का प्रयास करता है, उस प्रयास में उसकी सहायता की जाए। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसने आते ही इस वर्ग को इतना बड़ा रिलीफ टैक्सेशन में दे दिया हो। जो टैक्सेशन में एग्जेम्पशन देते हैं, कभी 5,000, 10,000, 20,000 तक बढ़ाया गया है, एक मुश्त में उसको 50,000 रुपए बढ़ा देना, जो घर या छोटा घर अपार्टमेंट खरीदता है और उधार लेकर ब्याज देता है, उसको 2 लाख तक की टैक्स की और छूट दे देना, उसको भी 50,000 बढ़ा देना, जो बचत करता है और बचत की पूंजी को कहीं लगाता है उसको भी उसके लिए इंसेंटिवाइज कर देना। और पीछे एक नीति थी केवल, प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि अर्थव्यवस्था फैले, बढ़े, उसके लिए टैक्सेस कम होंगे तो ज्यादा तेजी से फैलेगी, टैक्सेस ज्यादा होंगे तो वो फैलेगी नहीं। इसलिए ये कहने वाली हम पहली सरकार थे जिसको कहने में संकोच नहीं था, वी आर ए लो टैक्सेशन गवर्नमेंट, नॉट अ हाई टैक्सेशन गवर्नमेंट लाइक द यूपीए। देश के अंदर पैदावार और उद्योग बढ़े, मध्यम और छोटे उद्योग लगाने वालों को जो पूंजी होगी उसमें भी टैक्स की छूट देंगे कि इस देश में पूंजी लगाइए,
बिजली का निर्माण नहीं होता, जो इस देश के बिजली के निर्माण में बिजली पूंजी लगाएगा अगले कुछ वर्षों के लिए उसको भी टैक्स मुक्त किया हम लोगों ने। इस खराब परिस्थिति में जिसमें अर्थव्यवस्था हम लोगों को मिली थी, उसमें अर्थव्यवस्था का विस्तार हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेंशन हो, हमने एक वैकल्पिक नीति के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सरकार में ये एक ऐसा शासन है जिसमें मंत्रियों की जवाबदारी भी देवी भी है, एक एक विभाग का नियंत्रण और उसकी अकाउंटेबिलिटी, खूब चर्चा, ये एक माहौल पैदा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि 75 दिन की सरकार में खूब लगे हुए हैं विरोधी कुछ ना कुछ ढूंढने में, लेकिन अभी तक कुछ मिल नहीं सकता क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। आज इस परिस्थिति में विदेश नीति हमारी यह थी कांग्रेस की सरकार में कि लगभग सब पड़ोसियों के साथ संबंध में खटास थी, अविश्वास की भावना थी। इस परिस्थिति में लेकर हमारे प्रधानमंत्री और हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी आज भी इसी संबंध को सुधारने में व्यस्त हैं। उन्होंने आरंभ इससे किया कि पहले पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध बने। भूटान में प्रधानमंत्री जी हुआ है, नेपाल में प्रधानमंत्री जी हुआ है, और जिस प्रकार का उत्साह उनके नेपाल और भूटान की यात्रा में था और जिस प्रकार के संबंध बनाने की एक नींव रखी गई है, ये अपने आप में उदाहरण है। सभी सार्क देशों के साथ दोस्ती का संबंध बनाना, और ये वो परिस्थिति में लिया कि जबकि विरासत में हमें वो स्थिति मिली थी कि इन तमाम देशों के साथ रिश्तों में खटास थी, कड़वाहट थी, ये विरासत हम लोगों को मिली थी, और एक प्रायोरिटी देना नेबरिंग कंट्रीज के साथ। और छोटे विषय, आज विदेशी मेहमान आते हैं तो सबसे पहला विषय भारत के संबंध में है, भारत हथियार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खरीददार था, सब आते थे बेचने के लिए। अब सब आते हैं तो उनसे चर्चा होती है कि अब भारत के अंदर इसका निर्माण शुरू होगा। पहली बार आते ही जो दृष्टिकोण था शासन का और मेहमानों के साथ जो चर्चा होती थी, उसका एजेंडा था, उसके अंदर भी अपने आप में एक परिवर्तन आया। देश की कई स्थानीय समस्याएं इस सरकार में स्पष्टता थी कि हमने ये कहा और उसके लिए पैसा भी आवंटन कर दिया कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो कश्मीर घाटी में वापस जाकर बसना चाहते हैं, सरकार उनके लिए साधन देगी और जो भी उनके रहने की वहां सुविधा होगी उसका निर्माण हम लोग करेंगे। अमित जी अभी गंगा नदी का जिक्र कर रहे थे, देश के तीर्थ स्थानों का महत्व को हम लोगों ने समझा है। देश में जो पुरातन शहर हैं वहां हेरिटेज सिटीज हो, देश में जो नदी के साथ साथ घाट हो, घाट निर्माण का काम राज्यों के माध्यम से सरकार करेगी केंद्र की, पर्यटन बढ़ाने का काम इसके माध्यम से हम लोग करेंगे, और पर्यटन के क्षेत्र में जो हमने आते ही नीति की घोषणा की है तो उस व्यवसाय में लगे लोगों को लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ये दुगना हो सकता है, जिससे देश के एक वर्ग की आमदनी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इस उत्साह के माहौल में हम लोगों ने एक शासन आरंभ किया है उस निराशा के माहौल को बदलते वक्त, लेकिन खेद केवल एक बात का है
कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसकी नीतियां इस देश पर बोझ बन चुकी थी। इट वॉज अ लाइबिलिटी ऑन दिस कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। आज विपक्ष में रहकर भी वो वही भूमिका निभाना चाहते हैं कि कहां कहां देश तीव्र प्रगति ना कर पाए उसको रोका जा सके। एनडीए को केवल रुकावटें हम लोगों ने पैदा करनी है। हाल में पिछले एक सप्ताह में जो उनकी नीतियां स्पष्ट होकर आ रही हैं उससे केवल यही दिशा लगती है। देवर अ लाइबिलिटी ऑन द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री वेन देवर इन पावर, दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी अ लाइबिलिटी वेन दे आर इन ऑपोजिशन।